बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि 2700 रुपये ममालक का एक साथ अफगान मुजाहिदीन की नई हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला। नई हुकूमत के लिए यूरोपीय यूनियन का हंगामी अजलास, अमेरिका तस्लीम करे या न करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी हमें अमेरिका ने अफगानिस्तान में मरवाया। यूरोपीय कमीशन की मीडिया से गुफ्तगू, सबीउल्लाह मुजाहिद, मुल्ला बरदर और सुहेल शाहीन से हम बहुत मुतासर हैं, ये वो मुजाहिदीन नहीं जो हम समझ रहे हैं। अमेरिका ने हमें धोखे में रखा, अफगान अफगानिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू, पहली बार मगरब से अफगान मुजाहिदीन के लिए बड़ी ऑफर आना शुरू। भारत और अमेरिका तन तन्हा रह गए, अफगान मुजाहिदीन ने काबुल में आम मुआफी का ऐलान करके सारा प्रोपेगेंडा कुचल दिया, दुनिया अफगान मुजाहिदीन के किरदार को मान गई। आज के दिन बड़ी खबर आ गई, वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अफगान मुजाहिदीन हुकूमत के तर्जुमान मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कौम के साथ पहले खिताब में क्या ऐलान किया और इन्होंने कैसे दुनिया के दिल जीत लिए। नाज़रीन, आज दुनिया भर के ममालक अफगान तालिबान के किरदार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे बयानात और तासुर दिए जा रहे हैं जो किसी मौजजे से कम नहीं। अगर ये कहा जाए कि अफगानिस्तान की जंग आजादी की एक तवील तरीन ये जंग थी जिसमें लाखों जाने और खरबों डॉलर्स का नजराना दिया गया, लेकिन इसके बाद आने वाले नतज ने दुनिया को हैरानगी में मुबतला कर दिया, तो ये गलत ना होगा। अफगान तालिबान ने हक की इस जंग में अपने जानो माल अजीज वकारब को पीछे छोड़कर वतन अजीज के लिए हर चीज कुर्बान कर दी और बिलाखर फतह से हमकनार हुए। अफगानिस्तान को सुपर पावर का कब्रिस्तान कहा जाए तो गलत ना होगा, और इसका बुनियादी मतलब ये ताकतों का भी कब्रिस्तान है जिन्होंने अपनी नजरियात यहाँ पर लागू करने की कोशिश की, लेकिन अफगान मुजाहिदीन की साबित कदमी और अल्लाह की नुसरत से अफगान सरजमीन पर आज एक बार फिर से इस्लामी कानून का नफाज हो गया। इस तमाम तर सूरत हाल को आलमी ममालक बहुत दूर से देख रहे हैं। दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जब अफगान तालिबान काबुल के करीब पहुंचे तो अक़वामे मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन में घंटे घंटे के वक्फे से इजलास किए गए। अब चूंकि फतह हक की हो चुकी है और अमारात इस्लामिया के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान पहुंचते ही एक तारीखी खिताब किया जिसने दुनिया भर में तालिबान के खिलाफ होने वाली क्या सराइयों का गला दबा दिया। इनके खिताब से कबल यूरोपीय यूनियन की जानिब से अफगान मुजाहिदीन के हक में आने वाली मुस्बत तरीन पेशरफ्त की बात की जाए तो एक ऐसे दुश्मन के घिनौने प्रोपेगेंडे के बावजूद तालिबान ने दुनिया को मजबूर कर दिया कि अब अफगानिस्तान महफूज हाथों में है और ये वक्त है सफारती ताल्लुकात कायम करने का। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि तालिबान जंग जीत चुके हैं, इसलिए इनसे बात करना होगी। ताहम यूरोपीय यूनियन के तआवुन के हुसूल के लिए तालिबान को बुनियादी इंसानी हकूक का एहतराम करना होगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा का इजलास मुनक्कद हुआ जिसके बाद अलामिया जारी किया गया। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि ये हम नहीं कह रहे हम तालिबान को तस्लीम करने जा रहे हैं, बल्कि हम खवातीन और लड़कियों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए इनसे हर मसले पर बात करेंगे क्योंकि इसके लिए हमें इनसे बात करना पड़ेगी। तालिबान को तस्लीम करने वाली बात पर माहरीन ने इशारा दिया कि बैन अल-अक़वामी सतह पर हालात कशीदा हैं, इसकी वजह से यूरोपीय यूनियन सीधा तालिबान को तस्लीम करने का ऐलान नहीं कर सकती। अलबत्ता ये बयानात भी इसी के मुतरादिफ हैं। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में इक्तदार संभालने के बाद पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान ने कहा कि वो दुनिया के दीगर ममालक के साथ पूरा मन ताल्लुक चाहते हैं और इस्लामी शरई कानून के दायरे में रहते हुए खवातीन के हकूक का एहतराम करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत से सिर्फ इसी सूरत में तआवुन करेंगे कि अगर वो बुनियादी हकूक का एहतराम करें और अपनी सरजमीन दहशत गर्दों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यूनियन के नुमाइंदे ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की तरजीह काबुल से अपने अमले और अफगान मददगारों का इनखला है। इनके मुताबिक इस वक्त यूरोपीय यूनियन के लिए काम करने वाले अफराद के अहले खाना समेत तादाद लगभग 400 के करीब है। स्पेन ने अफगानिस्तान से आने वाले अफराद को इब्तदाई तौर पर अपने पास ठहराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, इसके बाद इन्हें यूरोपीय ममालक में भेजा जाएगा जो इन्हें पनाह देने में दिलचस्पी रखते हैं। जोसेफ बोरल ने कहा कि अफगान अवाम के लिए इमदाद का सिलसिला न सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि इसमें इजाफा किया जाएगा। ये इमदाद हुकूमत को सिर्फ शरायत पूरी करने पर ही दी जाएंगी। इन्होंने कहा कि मुहाजरीन के मुमकिन बहरान से बचने के लिए जल्द मुज़ाकरात का अमल शुरू करने की जरूरत है और हमें काबुल में हुकाम से राबते में रहना होगा। तालिबान ने जंग जीत ली है लिहाजा हमें इनसे बात करना होगी। इन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को अहम सियासी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि इसके आलमी सियासत पर असरात मुरतब होंगे और इसका मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के साथ ज्यादा बारीक बीनी से काम करना होगा। वाज़ह रहे कि आज ही काबुल में अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम किसी तनाज़े और जंग को दोहराना नहीं चाहते, इसलिए अमारात इस्लामी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, तमाम दुश्मनियाँ खत्म हो चुकी हैं, हम पूरा अमन रहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के लोग इंतजार कर रहे हैं, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मशावरत के बाद बहुत जल्द
मजबूत इस्लामी हुकूमत कायम होगी। अफगान तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान खुसूसन काबुल की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि वहाँ सफारत खाने हैं और जिन इलाकों में सफारत खाने हैं वहाँ मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। पूरे मुल्क में सियासी नुमाइंदों, सफारत खानों, मिशन और मुकामी इदारों, इसके अलावा इमदादी इदारों को यकीन दिलाते हैं कि किसी को आपकी सिक्योरिटी खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा कि अमेरिका समेत आर्मी बरादरी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम अपने हमसाया और खित्ते के मुमालिक को बताना चाहते हैं कि किसी को भी हमारी सरजमीन दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान के साबका सदर अशरफ गनी की ताजिकिस्तान में मौजूदगी या ओमान में क्याम की तरदीद के बाद इनके मुत्तहिदा अरब अमारात में पहुँचने की खबर है। अशरफ गनी चंद रोज कबल काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से फरार हो गए। पहले इनकी ताजिकिस्तान और फिर ओमान पहुँचने की खबरें शाया हुई और एक बाखबर जराए काबुल न्यूज ने बताया कि साबका सदर अशरफ गनी अपने अहले खाना के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी पहुंच गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी जराए ने ताहाल सदर की आमद और शाया होने वाली इनकी खबरों की तर्दीद या तस्दीक नहीं की। यूरोपीय यूनियन की जानिब से बयान में कहा गया कि तालिबान जंग जीत चुके हैं, इसलिए आपसे बात करना होगी, ताहम यूरोपीय यूनियन के तआवुन के हसूल के लिए तालिबान को बुनियादी हकूक का एहतराम करना होगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान की क्यादत ने फतह का परचम लहरा दिया, हुकूमत बनाने का अमल शुरू कर दिया। नाजरीन ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे सभी के अफगानिस्तान का एक इलाका अभी ऐसा है जहां तालिबान का कंट्रोल नहीं है और जल्द ही यहां से तालिबान के खिलाफ एक बड़े महाज का खतरा है। वादी पंजशेर के नाम से जाना जाने वाला ये इलाका शुरू से ही तालिबान के कंट्रोल में नहीं रहा और अब जब पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम करने का वक्त है तो इस वादी से एक ऐसी फौज उठ खड़ी हुई है जिसने तालिबान के लिए परेशानी पैदा कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान ने दारुल हुकूमत में अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया, ताहम एक अफगान सूबा ऐसा भी है जो नाकाबले तस्खीर है। अफगान सूबा पंजशेर अब भी नाकाबले तस्खीर है और अफगान तालिबान अब भी वहां दाखिल नहीं हो सके। सूबा का दारुल हुकूमत बाजरेख है, ये साबिक जहादी कमांडर और साबिक वजीर दिफा अहमद शाह मसूद का शहर है। तालिबान के इक्तदार में आने के बाद अहमद शाह मसूद ने इस वादी का कामयाब दिफा किया। इस वक्त ये शहर तालिबान मुखालिफ लोगों का गढ़ है और अब इस शहर में अहमद शाह मसूद मरहूम के बेटे अहमद मसूद सरकारी फौज और मलेशियाज की क्यादत कर रहे हैं। मगरबी मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद शाह ने ऐलान किया कि शराइत पर तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जरूरत पड़ी तो इनके खिलाफ जंग भी करेंगे। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पंजशेर में मुकामी मलेशिया और अफगान फोर्सेज बड़ी तादाद में जमा हैं और इन्होंने तालिबान की पेशकदमी पर जंग के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। दूसरी जानिब एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है जिसमें अफगान नायब सदर अमरुल्ला साया और अहमद मसूद साथ बैठे हैं और मज़ाहमत के लिए मनसूबा बंदी पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। ताहम इस तस्वीर की तस्दीक नहीं हो सकी कि हालिया दिनों की है या पुरानी। अलबत्ता अमरुल्ला साया ने अपने ट्वीट में तस्दीक की है कि वो मुल्क में ही मौजूद हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की पूरी खबर, इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह।